क्यों आ रही है पार्टी में दरार, कितने कार्यकर्ता हो रहे हैं फरार, क्या चमचों और कान भरू लोगों से भरी हुई है पार्टी, आखिर क्यों किया जा रहा है नजरअंदाज, क्या पड़ सकता है भारी। जो मेहनत करता है उसको मजदूरी मिलती है कि नहीं मिलती है, लीडर कौन है, कार्यकर्ता कौन है, ये चमचा एंड कंपनी जो बोलती है। तो हम लोग काम करते हैं शहर के लिए, जितेंद्र अवार साहब के नेतृत्व में। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेल्स। आज हम ऐसी राजनीतिक गलियारों की चर्चा करेंगे जिसमें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सैयद अली अशरफ भाई साहब और शमीम खान जो पार्टी से दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, जितेंद्र अवार्ड की नज़रअंदाजी की वजह से वही जो सैयद अली अशरफ भाई साहब है उनका एक कई सालों से इतिहास ऐसा रहा कि जो ऐसे घराने से ताल्लुक रखते हैं और उनके पीर मुरीद ही नहीं हज़ारों की तादाद में लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ी हैं। हाल ही में भाई साहब ने चर्चा के दौरान कहा कि दलाल और चमचों को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर ये चमचा एंड कंपनी जो बोलती है ना, जो ना पहले चुनाव में थे, ना दूसरे चुनाव में थे, ना तीसरे चुनाव में थे, और हमेशा जो है ऐसे गलत लोग को तरजीह दी गई कि जिन्होंने पूरा सरमाया भी जो ये सब चल रहा है वो सरमाया डुबा डाला। इस बात से पता चलता है कि पार्टी में दरार आ रही है। अब हम आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। शमीम खान जो अपने आप में एक सामाजिक और राजनीतिक पहचान रखने वाले शख्स हैं और शहर में हर किसी को जोड़कर रखते हैं, एनसीपी पार्टी से जुड़ने के बाद ही कई भूमिका में उनका बड़ा अहम रोल रहा। पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने में शमीम खान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपना पूरा योगदान दिया। आमदार चुनाव हो या पार्टी में हर किसी को जोड़ना और लोगों की नाराज़गी दूर करना और हर कमान शमीम खान के हाथों में रही और शमीम खान को कामयाबी भी मिली। तो हम ये जानते हैं कि इस शहर के लोगों ने हमेशा मजदूरी बराबर दिया, हम लोगों को प्यार दिया है, तो हमें ये शहर से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अगर मुमरा कौसा की मुमरा कौसा कलवा से 40 सीट आती है तो राष्ट्रवादी के बिना वहां मेयर नहीं बन सकता। इसी तरह से सैयद अली अशरफ भाई साहब पार्टी के लिए ऐसे पेड़ हैं मगर जिनका फल अब खट्टे हो चुके हैं, और शमीम खान पार्टी में एक ऐसे मजबूत पिल्लर हैं मगर ये पिल्लर भी अब डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं कार्यकर्ताओं का मानना है कि अगर अच्छे लोगों को बढ़ावा नहीं देते हुए सिर्फ कान भरो और चापलूसों को बढ़ावा दिया जाता रहा तो इसी तरह से चलता रहा तो लंका जलेगी नहीं, डूब जाएगी। हालांकि प्रोग्राम में नगर सेवकों की गैर हाजिरी और पीछे के दरवाजे के लगभग सभी लोग नजीमुल्ला से मिलते जुलते हुए नजर आए। वहीं साहब को जब ये पता चलता है वो अपने आप को साहब का निष्ठावान कार्यकर्ता सिपाही बताते हुए नजर आते हैं, जैसे कि घोड़ा भी आपका और खास भी आपकी। उनकी यही बात सुनते ही साहब भावुक हो जाते हैं और जो उन्हें बताया जाता है उसको ही भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। जब ये आलम है और इस तरह का हाल तो सर पे ना त्रिपाल होगी और ना पैरों तले जमीन। हम इस बारे में राय और हमारे चैनल पर जितेंद्र अवार्ड अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं।